दोस्तों मैं इशफाक अंसारी, आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ नेटवर्क। जो लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने अजीज़ अकारीब को शेयर भी कर दिया करें। दोस्तों सऊदी अरेबिया में पिछले हफ्ते कुल 18,901 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें 11,419 ऐसे लोग थे जो कि ऊपर रूप लगा हुआ था या जिनका इकामा एक्सपायर था, जबकि 4,593 ऐसे लोग थे जो कि बॉर्डर क्रॉस करके लीगल से बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरेबिया में दाखिल हो रहे थे, जबकि 2,949 ऐसे लोग थे जो कि डोमेस्टिक, जिनका मायना डोमेस्टिक वर्कर था जैसे सहायक खास या आमिल मंजिलिया, लेकिन वो कंपनी में और जो कमर्शियल काम कर रहे थे उन सबको गिरफ्तार किया गया। इनमें 145 ऐसे लोग भी गिरफ्तार किया गया जो सऊदी अरेबिया से दूसरे मुल्कों को इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे थे। दोस्तों सऊदी अरेबिया में 2018 में खातीन को जो है ड्राइविंग लाइसेंस अलाउ किया गया कि वो गाड़ी चला सकती हैं, फोर व्हीलर चला सकती हैं। उस वक्त ऐसा अंदाज़ा लगाया गया था कि इससे जो है कार मार्केट की सऊदी अरेबिया को बूस्ट मिलेगा, इसमें काफ़ी गाड़ियां, ज़्यादा गाड़ियां बिकेंगी। और उसमें यह हदफ मुकर्रर किया गया था कि 577,000 तक गाड़ी 2025 तक बिकेगी, लेकिन ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत उस वक्त साबित हुआ कि जब 2025 का दफ्तर 2022 में ही 6,75,000 फोर व्हीलर गाड़ियां सऊदी अरेबिया में बिक गई। इस साल 7,30,000 फोर व्हीलर सऊदी अरेबिया में बिकी हैं और उनमें भी 30% ऐसी गाड़ियां जो कि औरतों ने खरीदी हैं। तो औरतों को जो है गाड़ी चलाने की वजह से, ड्राइविंग लाइसेंस देने की वजह से सऊदी अरेबिया की कार मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला। इस साल उम्मीद है कि 8,70,000 फोर व्हीलर सऊदी अरेबिया में बिकेंगी। दोस्तों सऊदी अरेबिया मक्कतुल मुकर्रमा में मस्जिद हराम में आने वाला जो रमज़ान है उसमें उमरा सीजन काफ़ी पीक पर होता है, इसको देखे कई सारी पाबंदियां आयद की गई हैं। सैफ अल सलामी जो कि मस्जिद अल हराम के गेट के सुपरवाइज़र, उन्होंने बताया है कि बहुत सारी चीज़ों को मस्जिद हराम ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई, उसमें खाने पीने की चीज़ें, लेकिन इनमें तीन चीज़ों को एग्जेम्प्ट किया गया, तीन चीज़ें ला सकते हैं आप, उसमें खजूर, पानी और गावा। दूसरी ऐसी चीज़ों पर पाबंदी लगाई जिससे कि कुछ कट कट सकता है, ऐसे कोई अलाज जिससे कट सकता है उस पर पाबंदी लगाइए, कोई तरल चीज़ लिक्विड चीज़ जिससे आग लग सकती है उस पर पाबंदी लगाइए, और बड़े लैगेज पे और लैगेज को ले जाने वाली ट्राली, उन सब पर भी पाबंदी आयद की गई है। तो अगर मक्कतुल मुनवा मस्जिद हराम आप जा रहे हैं तो इन सब पाबंदियों का लिहाज रखें। दोस्तों ज़्यादातर खाली जी ममालिक में शनिचर के दिन साहबान का चांद दिखाई दिया, तो इतवार के दिन जो है साहबान का पहला दिन होगा। इतवार 12 फरवरी को ज़्यादातर खाली जी ममालिक में साबान की पहली तारीख होगी। तो इस तरह रमज़ान में सिर्फ एक महीना बाकी रह गया। ज़्यादातर एक्सपर्ट का ख्याल है ये साबान का महीना 30 दिन का होगा। दोस्तों शारजा में लाइट उत्सव, लाइट फेस्टिवल चल रहा है, पहले आप वीडियो देखिए। इस वीडियो के मुताबिक बता दें कि शारजा में 7 फरवरी से जो है लाइट उत्सव चला, ये 13वां लाइट उत्सव, हर साल शारजा में जो लाइट फेस्टिवल मनाया जाता है ये 13वां लाइट फेस्टिवल है जो कि 7 फरवरी से चालू है, 12 दिन तक चलेगा। ये डेली ये शाम को 6 बजे से रात 11 बजे तक खुलता है, हालांकि खमीस, जुम्मा और सब शनिचर के दिन ये 3 दिन और ज़्यादा रात तक खुलता है। इस वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।